हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको हम यहां पर देने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप 12 का प्रश्न 9 से देखने वाले। तो फ्रेंड्स, प्रश्न है मेरा कि यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सफेद को लाल कहा गया है, लाल को नीला कहा गया है, लाल को पीला कहा गया है, पीला को हरा कहा गया है, हरा को नीला कहा गया है और आपसे हल्दी का रंग पूछा गया है, यानी पूछा है कि हल्दी का रंग कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, यह जो टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, सबसे आसान टाइप है। इसमें आप बस प्रश्न को एक बार पढ़ करके और बस उसी से अपना आंसर को खोज लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हल्दी का रंग क्या होगा। अब आपको पहले से पता होगा कि हल्दी का रंग क्या होता है। हल्दी का रंग पीला होता है, तो आपको पीला नहीं लिखना है, पीला को क्या कहा जाता है उसको देखना है। पीला को हरा कहा जाता है, यानी हल्दी का रंग हरा हो जाएगा। जो कि आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपको ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4, यानी आंसर आपका 4 हो जाएगा। प्रश्न 10 है कि यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया है, लाल को हरा कहा है, हरा को पीला कहा है, पीला को नारंगी कहा है, नारंगी को गुलाबी कहा है, गुलाबी को नीला कहा है, नीला को सफेद कहा है और सफेद को काला कहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि गुलाब की पत्ती का रंग क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि गुलाब की पत्ती का रंग क्या होता है। गुलाब की पत्ती का रंग हरा होता है, गुलाब की पत्ती का रंग हरा होता है और हरा यहाँ पर है, तो गुलाब की पत्ती का रंग हरा होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर हरा नहीं होगा। हरा को क्या कहा जाता है वो होगा, यानी गुलाब की पत्ती का रंग पीला होगा, जो कि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 होगा। प्रश्न 11 है कि यदि ऐसे जंतु जो चल सकते हैं उसे तैराक कहा जाए, जो रेंग सकते हैं उसे हवाबाज कहा जाए, जो जल में रहते हैं उसे सांप कहा जाए, जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चल सकते हैं उसे तैराक कहा गया है, जो रेंग सकते हैं उसे हवाबाज कहा गया है, जो जल में रहते हैं उसे सांप कहा गया है, जो आसमान में रहते हैं उसे शिकारी कहा गया है, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पहले से पता होगा कि छिपकली रेंग कर चलते हैं, यानी छिपकली रेंग रेंग कर चलने वाले जीव है, तो छिपकली रेंग कर चलते हैं, तो रेंग कर चलने वाले को यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। रेंग कर चलने वाले को यहाँ पर हवाबाज कहा जा रहा है, यानी छिपकली को हवाबाज कहा जाएगा, छिपकली को क्या कहा जाएगा, हवाबाज कहा जाएगा। जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा है, आपका आंसर होगा। एक बार और देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि यदि ऐसे जंतु जो चल सकते हैं उसे तैराक कहा जाए, जो रेंग सकते हैं उसे हवाबाज कहा जाए, जो जल में रहते हैं उसे सांप कहा जाए और जो आसमान में रहते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा। यानी जल जो चल सकते हैं उसे तैराक कहा गया है, जो रेंग सकते हैं उसे हवाबाज कहा गया है, जल में रहने वाले को सांप कहा गया है, आसमान में रहने वाले को शिकारी कहा गया है और आपसे छिपकली का पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले से पता है कि छिपकली रेंग कर चलते हैं और रेंगने वाले को यहाँ पर हवाबाज कहा गया है, तो छिपकली को हवाबाज कहा जाएगा, जो कि आप आंसर में आपका ऑप्शन 2 दिख रहा है। प्रश्न 12 है कि यदि बादल को सफेद कहा जाए, सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए और नीला को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कहा गया है, बादल को सफेद कहा गया है, सफेद को वर्षा कहा गया है, वर्षा को हरा कहा गया है, हरा को हवा कहा गया है, हवा को नीला कहा गया है, नीला को जल कहा गया है और तब आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पहले से पता है कि पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, लेकिन
यहाँ पर उसके कोट को लिखना है। आपको पता है कि पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, तो पक्षी तो हवा में उड़ते हैं, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर हवा नहीं होगा, हवा का कोट, यानी हवा को यहाँ पर नीला से कोडिंग किया गया है, तो आपका आंसर नीला होगा। यानी फिर से आप समझ ले कि पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, तो पक्षी हवा में उड़ते हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर हवा ना, हवा को जिस वर्ड से कोडिंग किया गया होगा वो आंसर होगा, तो हवा को यहाँ पर नीला कहा जाता है। तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, तो पक्षी नीला कहाँ पर उड़ेंगे, तो उसके लिए आपका आंसर नीला होगा। जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा है, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। प्रश्न 13 है कि यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए और पुल को चंद्रमा कहा जाए, तो आप किस चीज से अपना हाथ धोएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर वर्षा को गुलाबी कहा गया है, गुलाबी को बादल कहा गया है, बादल को जल कहा गया है, जल को पुल कहा गया है, पुल को चंद्रमा कहा गया है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप हाथ कहाँ पर धोएंगे। तो फ्रेंड्स आपको पहले आप हाथ मतलब किससे धोएंगे, तो फ्रेंड्स आपको पहले से पता है कि हम लोग हाथ किससे धोते हैं, हम लोग हाथ पानी से धोते हैं, जल से धोते हैं, हम लोग हाथ जल से धोते हैं। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जल को क्या कहा जाता है, वही आपका आंसर होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोग मतलब हाथ आप हाथ किस चीज से धोएंगे, यानी हम लोग हाथ किस चीज से धोएंगे, तो हम लोग हाथ जल से धोते हैं, तो आपका आंसर जल को जो कहा गया होगा वही होगा। तो जल को यहाँ पर पूल कहा गया है, तो पूल आपका आंसर होगा। जो कि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, 13 का ऑप्शन नंबर 4, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न 14 है कि यदि जल को काला कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को मछली कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे आपको कहा गया है कि जल को काला कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को मछली कहा जाए, और तब आपसे पूछा जा रहा है कि आसमान का रंग क्या होगा। फ्रेंड्स आपको पहले से पता है कि आसमान का रंग क्या होता है, यानी आसमान का रंग नीला होता है, आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है। और नीला यहाँ पर आपका आंसर नहीं होने वाला है, आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है नीला को क्या कहा गया है, सो। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे, अभी तुरंत हमने आपको प्रश्न में भी पढ़कर बताया और यहाँ पर लिखा भी है कि नीला को वर्षा कहा जाता है, यानी आपका आंसर यहाँ पर वर्षा होगा। फ्रेंड्स एक बार और समझे इसे कि यहाँ पर कहा जल को काला कहा गया है, काला को वृक्ष कहा गया है, वृक्ष को नीला कहा गया है, नीला को वर्षा कहा गया है, वर्षा को गुलाबी कहा गया है, गुलाबी को मछली कहा गया है और आसमान का रंग आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको पहले से पता है कि आसमान का रंग नीला होता है, आसमान का रंग नीला होता है, तो आप नीला तो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर नीला को क्या कहा गया है, यानी यहाँ पर कोडिंग करके हमको आंसर देना है, तो नीला को वर्षा से कोडिंग किया गया, यानी नीला को वर्षा कहा गया, तो आपका आंसर वर्षा होगा। जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। प्रश्न 15 है कि यदि काला का अर्थ सफेद हो, सफेद का अर्थ लाल हो, लाल का अर्थ पीला हो, पीला का अर्थ नीला हो, नीला का अर्थ हरा हो, हरा का अर्थ बैगनी हो, बैगनी का अर्थ नारंगी हो, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर काला को सफेद कहा गया है, सफेद को लाल कहा गया है, लाल को पीला कहा गया है, पीला को नीला कहा गया है, नीला को हरा कहा गया है, हरा को बैगनी कहा गया है, बैगनी को नारंगी कहा गया है, और आपसे साफ आसमान का रंग पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको पहले से पता होगा कि साफ आसमान का रंग क्या होता है, साफ आसमान का रंग फ्रेंड्स आपको बता दे नीला होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर नीला नहीं होगा, क्या होगा, तो नीला को जिस वर्ड से कोडिंग किया, यानी नीला को यहाँ पर हरा कहा गया, तो आपका आंसर यहाँ पर हरा होगा, आपका आंसर यहाँ पर हरा होगा। जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस पेज में दो ऑप्शन दिया है और कुछ पीछे वाला पेज में है, यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 यानी हरा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है,
आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि आप बुक पलटेंगे तो आपको खुद ब खुद दिखाई दे देगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पलट कर दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 5 होगा, यानी 5 कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर पीछे और यहाँ पर भी ये मतलब आंसर नहीं दिया हुआ, हरा यानी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 है, यदि हवा को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीला को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को गुलाबी कहा जाए, तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा? फ्रेंड्स यहाँ पर हवा को हरा कहा गया है, हरा को नीला कहा गया है, नीला को आकाश कहा गया है, आकाश को पीला कहा गया है, पीला को जल कहा गया है, जल को गुलाबी कहा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तो आपको इतना सब कुछ लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बस समझाने के लिए इतना सब कुछ लिख दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर तो बस आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बस उसमें से देख कर ही आंसर दे देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। फिर आपको पहले से पता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। तो आपको बस देखना है कि नीला को क्या कहा जाता है, यानी नीला को किस वर्ड से कोडिंग किया जाता है, तो नीला को यहाँ पर आकाश कहा गया है। तो स्वच्छ आकाश का रंग के लिए आपका आंसर यहाँ पर आकाश होगा, यानी इसका कोड आकाश होगा। जो कि फ्रेंड्स आप आंसर देखेंगे तो आंसर नंबर आपको ऑप्शन 5 दिख रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा। फ्रेंड्स यह प्रश्न मेरा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था, चूंकि ये वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नए वीडियो में हम प्रश्न यानी अगले प्रश्न ये प्रश्न नंबर 17 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।